हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म के बारे में, जिसे हम डबल लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको इन्वर्जन ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बीम इंजन जो फर्स्ट इन्वर्जन है, और दूसरा कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन जो कि है दूसरा इन्वर्जन है फोर वार चेन मैकेनिज्म के, उन सब के मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसको देखिए। ये जो है ये थर्ड इन्वर्जन है एंड लास्ट इन्वर्जन है, इन्वर्जन ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म। फोर वार चेन मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें चार लिंक और चार पेयर होते हैं। तो मींस इसके अंदर भी फोर लिंक एंड फोर पेयर होंगे, और जो कि पेयर होंगे टर्निंग पेयर, और जो पेयर होंगे वो होंगे लोअर पेयर। इसको हम वॉट्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है गेट के अंदर एक नंबर का, कि वॉट्स इंडिकेटर या बोलेगा आपको स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म क्या होता है। तो वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता है, या फिर आपको पूछ लेगा डबल लीवर मैकेनिज्म, तो इट इज़ कॉल ऑल्सो अ वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। इसके अंदर होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली ये जो मैकेनिज्म होता है ये इस टाइप का मैकेनिज्म होता है। स्टार्टिंग में एक ये फिक्स लिंक होगी, इसके साथ दूसरी लिंक का कनेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक तीसरी लिंक कनेक्ट होगी, और इसके साथ ये इस टाइप से एक चौथी लिंक कनेक्ट होगी, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर इसको मोशन देने के लिए, मतलब इसमें मोशन ट्रांसमिट करने के लिए हमने इंडिकेटर सिलेंडर और इंडिकेटर प्लंजर का अरेंजमेंट कर रखा है। इंडिकेट करता है प्रेशर के द्वारा, और इसको ऊपर धक्का मारता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इस टाइप का मैकेनिज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं वॉट्स इंडिकेटर, है ना। इसके ऊपर है, साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम है। ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पर ये इमेजनरी लाइन है जो ड्रॉ की हुई है ये, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं हम ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। होता क्या है, इसका यूज़ क्या करते हैं हम, ये जो मैकेनिज्म है इसमें, इसके अंदर ये इंडिकेटर सिलेंडर होता है, और इसका बोलते हैं इंडिकेटर प्लंजर। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, कोई भी गैस फिल करते हैं, जो कि गैस क्या होती है, एक्सपांड होती है, और इसको जो भी प्रेशर के द्वारा एक्सपांड होती है, इसलिए इसमें हम इसको इंडिकेटर जो है सिलेंडर बोलते हैं। तो इसके अंदर जनरली होगा क्या, वॉट्स जो है इसने इसको बनाया, और इसकी जो भी फंक्शन है उसको डिस्क्राइब किया, और उससे मोशन देखा कि किस टाइप का मोशन मिल रहा है हमें। तो जैसे ही हम इसको इस टाइप से मोशन ट्रांसमिट करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही ये इसको आपने मोशन दिया, तो ये इस टाइप से वर्क करेगा, है ना। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करे तो इसको हम ऐसा भी अरेंजमेंट करते हैं कि ये आपको क्या करेगा, ऑक्सीलेशन मोशन भी प्रोवाइड करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी प्रोवाइड करेगा, है ना। वो कैसे करेगा, जब हम इसकी पोजिशन को चेंज कर दें। पोजिशन को किस हिसाब से चेंज करेंगे, जैसे कि ये अपनी पोजिशन चेंज करके यहाँ पे पहुँचा, और ये इसने ई की पोजीशन चेंज कर दी यहाँ पर, तो ये हो गया आपका बी डैस, सी डैस, ये हुआ डी डैस, ठीक है। ये फिक्स वाला पोर्शन है, ये पूरा इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको रेसिप्रोकेटिंग भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है वो समझते हैं हम। इसमें कैसे जो है चार लिंक हैं, किस किस टाइप से इसका अरेंजमेंट है उसको समझते हैं। मतलब ये पूरा मैकेनिज्म उठ के ऊपर पहुँच गया, मैंने इसकी फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन में मैंने इसको ऐसे ट्रांसमिट किया, ठीक है। तो इसको भी हम इस टाइप से भी मोशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इससे स्ट्रेट लाइन मोशन भी इससे हम
इसका यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये पेंटोग्राफ के ऊपर वर्क करता था, जैसे कि पेंटोग्राफ हमने देख रखा होगा। पेंटोग्राफ का क्या यूज़ करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स की इमेज को ड्रॉ करने में करते हैं। जैसे कि आपको अगर इलिप्स बनाना है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप फिक्स कर दोगे और उसको एक फिक्स मोशन दे दोगे तो वो एक ड्राइंग बना के आपको देगा। तो इसलिए वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म इस टाइप का मैकेनिज्म था, जिससे हम नंबर ऑफ डायग्राम्स या नंबर ऑफ इमेज जो है वो बना सकते थे ईजी वे में, और एक फिक्स इमेज बना सकते थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या फिर आपको एक स्पेशल प्रॉपर लाइन आपको ड्रॉ करना है तो उसका इसका यूज़ किया जा सकता था। अब इसमें नंबर ऑफ लिंक्स क्या होती हैं, एक तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स जो होगी वो फिक्स्ड वाली होगी, ठीक है, दूसरी लिंक जो होगी वो इसके साथ में कनेक्ट है, ये पूरी एक लिंक है, ठीक है, तो ये होगा लिंक टू, तीसरी लिंक ये है लिंक थ्री, जो कि पूरा ही कनेक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये जो बी एफ डी जो है ये पूरी एक लिंक, यहाँ पर आप दो लिंक नहीं बोलोगे, अगर दो लिंक की उसको बोलोगे तो ये फोर बार चेन मैकेनिज्म हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो वन लिंक, लिंक फोर, ठीक है। तो यहाँ पर बी एफ एंड एफ डी फॉर्म वन लिंक बिकॉज दीज टू पार्ट्स हैव नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये जो पिस्टन इस पर फोर्स डाल रहा है तो ये ऊपर इसको पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसलिए ये एक ही लिंक इसको कंसिडर करते हैं। अगर इसको आप दो लिंक बना लोगे तो इट इज़ नॉट अ फोर वार चेन मैकेनिज्म, और जो फोर वार चेन मैकेनिज्म की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और इसके अंदर जनरली ये जो बी एफ डी जो है ये एक ही लिंक कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको हम फोर वार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं ना। और इसमें जो बी एफ डी और सी ई जो है इट इज़ वर्क एज अ लीवर, मतलब ये जो दोनों जो हैं ये लीवर हैं, सी ई एंड बी एफ डी एक्ट एज अ लीवर, इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डबल लीवर मैकेनिज्म। और इसमें आप ये लिख लीजिए बी एफ एंड एफ डी फॉर्म वन लिंक बिकॉज दीज टू पार्ट्स हैव नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एक हद तक। यहाँ पे ये जो ए ई है जो वही पोजिशन चेंज होके ए ई डैश हुई, मतलब इसी पूरी फिगर को हमने ऊपर जो है ऊपर इसको ट्रांसमिट कर दिया है, मतलब इसके मोशन को, एक तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन देख रहे होंगे, उसके बाद दूसरा जो है एक कर्व फॉर्म में भी यहाँ पर मोशन हमें मिल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं फोर वार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये होता किस टाइप का, कैसे इसकी वर्किंग होती है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक सा। ये एक मैंने एक अलग टाइप का यहाँ पर दिखा रखा है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पर भी ये जो पूरा ये जो लीवर है देखो एक ही मोशन प्रोवाइड कर रहा है, ये एक दूसरा एग्जांपल है, लेकिन ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है ना, तो इसका लाइन हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, लेंथ तो उसकी कितनी भी हो, या कुछ कर्व्स वाले इमेज आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम इसको वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म जो है उसका यूज़ करते थे। ये जो मैकेनिज्म है आपका ये वही है जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इसको हम बीम इंजन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो गई ये इस टाइप से जो है माइन से जो है ये क्या करता था, चीज़ों को निकालता था, ऊपर निकाल के देता था। तो ये जो है ये बीम इंजन है, बीम इंजन भी यहाँ पे देख लीजिए वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो लोकोमोटिव जो इंजन है वो इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है देखो, ये चल रहा है, इससे जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स मैकेनिज्म है, ये फोर बार चेन मैकेनिज्म जिसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन जब मिले हमें, जब हमने नंबर ऑफ लिंक्स को चीज़ों को चेंज किया, तो इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा वीडियो नंबर शायद 15 है जो कि ग्रिस्कोप लॉ ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म जो कि बेस्ड है ये इस फॉर्मूले पे पी प्लस क्यू, सो नॉट ग्रेटर देन अंडर टू लिंक्स, है ना, शॉर्टर एंड लॉन्गेस्ट लिंक, समीशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट ग्रेटर देन अदर टू रिमेनिंग लिंक्स, इट इज कॉल्ड ग्रिस्कोप लॉ ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। तो वहाँ से भी मैंने इसको समझा रखा है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म।
अब हम बात करेंगे अब अगले वीडियो लेक्चर में सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और उसके इन्वर्जन। इनसे भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो यूट्यूब पे गूगल पे डाल के उनकी GIF फाइल होती है, इस फाइल को ओपन कीजिए तो उसमें वो आपको लाइव मॉडल दे देगा, एनिमेशन मॉडल दे देगा, ताकि वो आपको रन करके दिखा सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको और इस पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।